हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन या बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन क्या है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन की। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन पर एसिड की हेल्प की सहायता से करना बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ऑन कीटोन्स बाई पर एसिड कॉल्ड बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। ओके, इन दिस रिएक्शन वन टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्किल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन है ये इन्वॉल्व होती है वन टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्किल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन के ऊपर एल्किल और हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है, राइट। अगर इफ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज बाई पर एसिड, इट्स कन्वर्ट इंटू एसिड कीटोन इन एस्टर एंड साइक्लिक कीटोन इंटू लैक्टोन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कीटोन ऑक्सीडाइज बाई पर एसिड, दिस इज पर एसिड, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड इंटू एस्टर, दिस इज एस्टर। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू एसिड, दिस इज एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, दिस इज साइक्लोपेंटेनॉन कन्वर्ट इंटू लैक्टोन। साइक्लिक एस्टर जो होता है उसको लैक्टोन कहते हैं, साइक्लिक एस्टर इज कॉल्ड एज लैक्टोन, राइट, दिस इज लैक्टोन। सो इन दिस वे एल्डिहाइड इज कन्वर्ट इंटू एसिड, कीटोन्स इंटू एस्टर, साइक्लिक कीटोन्स इंटू लैक्टोन। एंड द कैटलिस्ट फॉर दिस रीअरेंजमेंट आर पर एसिड्स लाइक C3C OH, यानी कि पर एसिटिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड C6H5C OH, पर ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, दिस इज ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, एंड वन मोर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दैट इज पर ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, एंड अनदर वन मैग्नीशियम मोनो परोक्सी थैलेट MMPP, मैग्नीशियम मोनो परोक्सी थैलेट, H2O2 कैरोस एसिड लाइक K2H2O8 H2SO4, एंड दीज आर द सम पर एसिड कैटलिस्ट विच आर यूज इन दिस काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट। ओके, बेयर विलीगर रीअरेंजमेंट ऑन ऑक्सीडेशन। सो इन दिस ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज बाई पर एसिड, इन्वॉल्व वन टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एल्किल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट ऑक्सीजन। अब देखेंगे नेक्स्ट मैकेनिज्म के अंदर की खा ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट ऑक्सीजन के ऊपर जो ट्रांसफर हो रहा है एल्किल एंड हाइड्रोजन का, वो कैसे हो रहा है, कौन से वे के जरिए हो रहा है, तो हम इसकी मैकेनिज्म के अंदर स्टडी करेंगे। बट इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन देर इज वन लिमिटेशन और ड्रॉबैक। इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, इफ देर इज डबल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल लाइक कीटोन्स एस्टर एंड साइक्लिक कीटोन्स, इफ देर इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन दिस इन द मॉलिक्यूल, द चांस ऑफ इपोक्सीडेशन, द चांस ऑफ इपोक्सीडेशन ऑफ दीज एल्किन्स और अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अनसेचुरेटेड कीटोन, राइट, तो देर इज डबल बॉन्ड प्रेजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड सॉरी पर एसिड या और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड देर इज द फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड फ्रॉम डबल बॉन्ड पोजिशन। ओके, तो देर इज द लिमिटेशन, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन द चांस ऑफ इपोक्सीडेशन और इपोक्साइड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ इपोक्साइड एज ए प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज द लिमिटेशन। नाउ कम टू द मैकेनिज्म ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन और दिस ऑक्सीडेशन। हम यहाँ बेसिक रिएक्शन लेके चलते हैं कीटोन की, RC डबल बॉन्ड OR इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, ओके, RC OOH, RC OOH प्रेजेंस में RC डबल बॉन्ड O और एस्टर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल H पॉजिटिव अटैक एट ऑक्सीजन, एज यू नो ऑक्सीजन हैव द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, ऑक्सीजन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H पॉजिटिव एंड
convert into OH positive. Okay, then per acid R C double bond O O O H. This is per acid which have lone pair. तो ये जो कार्बन है हमारे पास यहाँ पर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू प्रोटोनेशन ऑफ ओ ऑक्सीजन, बिकॉज दीज बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय टुवर्ड्स ऑक्सीजन, सो दिस ऑक्सीजन अटैक एट दिस न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट दिस कार्बन, आफ्टर दैट आर सी ओ एच आर ओ एच ओ C double bond O R and positive charge generated oxygen because oxygen donate electrons to electron deficient carbon. Okay. Now this electron, this attract electrons from this hydrogen minus H positive R C O H R O O C double bond O R. Clear? Then H positive. Now H positive attack it because this reaction in presence of acid, so H positive attack it this oxygen. Right? So lone pair down it to this. What happened? OH O O C double bond OH positive. This is R dash. OH positive and R. As you know, oxygen does not bear the positive charge, so attract these electron. Right? So in this carbon, carbon is electron deficient. This is electron deficient, it attracts electron from this carbon. This oxygen. This is electron deficient which attract this electron from this oxygen. So this electron is electron deficient. Finally, electron deficient. So this alkyl group is attacked at this position. Okay. At electron deficient oxygen attack at this position. Right? Then what happened? R C OH OR positive plus R dash C double H. Okay, finally H positive minus baha kya convert R C double bond O R. In this way, ester is formed. So earlier I told you that the migration of H or alkyl group to electron deficient oxygen. So this is oxygen is electron deficient due to electrons attracted by these oxygens, because this oxygen is the carbonyl oxygen is protonated by H positive. So this electron deficient over this positive charge bears by oxygen. So these electron attracted by oxygen, then further electron deficiency generated carbon which is attracted by oxygen, and then this oxygen electron deficiency generated this oxygen, then this is finally attracts from this oxygen. Finally this oxygen electron deficient, so R group migrate from 1 to 2 position. This is 1 position, this is 2 position, through R alkyl group transfer to oxygen, migrate to oxygen, and finally oxygen positive charge generated oxygen which is donate minus H positive ion, and convert into ester. So this is the mechanism of Baer-Willeger oxidation. Okay. So in this Baer-Willeger oxidation, if we check only starting material to product, starting material and to product, what happened in this phenomena, this transformation, that this one oxygen of these three oxygen, one oxygen is migrated between C and O. Okay, so this is the oxygen inserted between C and O R group.
ओके। लेकिन अब ये ऑक्सीजन इंसर्ट कौन से कार्बन एल्किल ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप के बीच में होगी, वो उसके लिए हम पढ़ेंगे इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कि कौन से कहाँ पर किस तरह से आ जाएगा। तो जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो है ऑक्सीजन जो इंसर्ट होगी वो पहले टॉप प्रायोरिटी पर हाइड्रोजन के साथ होगी, इफ हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है तो टर्सरी एल्किल, टर्सरी एल्किल नहीं है तो सेकेंडरी एल्किल, सेकेंडरी एल्किल नहीं है तो एरिल, एरिल नहीं है तो प्राइमरी एल्किल, देन मेथिल। इफ एरिल ग्रुप, यदि दोनों ही एल्किल ग्रुप जो हैं वो एरिल हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कहीं पर जुड़ा हुआ है एरिल की ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो ज्यादा होगा कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन ड्रॉविंग ग्रुप है। ई डब्ल्यू जी मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ई डी जी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, डोनेटिंग लाइक एम ई, ओ एम ई, ओ एच, एन एच टू एटसेट्रा, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस एनओ, एनओ टू, सी एल, फ्लोरिन, सी एन, लाइक दिस। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है एट द पैरा पोजिशन पर एल के, एरिल की भी ऑर्थो एंड पैरा पर, देन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा यानी कि ऑक्सीजन जो इंसर्ट होगी इनके साथ होगी, क्लियर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के कंपेरेटिवली। ठीक है, ऐसा क्यों है कि ये टर्सरी एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल, बिकॉज अगर यू नो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, राइट, सो दीज टर्सरी एल्कोहल ग्रुप्स आर प्लस आर इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट यानी कि पॉजिटिव चार्ज, प्लस आर ग्रुप डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज सो स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो विच ग्रुप हैव पॉजिटिव प्लस आर इफेक्ट, प्लस आई या प्लस आर इफेक्ट इजिली डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज एट ऑक्सीजन एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। एज यू नो चार्ज डिक्रीजेज स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, चार्ज जितना ज्यादा कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्लियर। तो इसलिए जो इफेक्ट है वो है कि अगर टर्सरी जो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा माइग्रेट एप्टीट्यूड रखेगा, देन उसके बाद टर्सरी सेकेंडरी एरिल ग्रुप का, देन प्राइमरी एंड मेथिल ग्रुप आएगा, और अगर एरिल ग्रुप प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके माइग्रेट एप्टीट्यूड ज्यादा होगा कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। सो हम आते हैं फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन पर, एग्जाम्पल्स पर। ये है फेनिल मेथिल कीटोन, मैग्नीशियम मोनोपरोक्सीथैलेट के प्रेजेंस में, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एक तरफ फेनिल है एक तरफ मेथिल है, तो फेनिल इज मोर माइग्रेटरी, हैव मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देन मेथिल, सो ऑक्सीजन इंसर्ट बिटवीन हियर, सो दिस इज द ऑक्सीजन इंसर्ट। ओके, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, बोथ आर फेनिल बेंजीन रिंग, बोथ आर क्लियर, बोथ हैव बेंजीन रिंग, बट दिस बेंजीन रिंग हैव प्लस आई इफेक्ट एट पैरा पोजिशन, और जैसा कि मैंने आपको बताया था जो प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा तो उसका माइग्रेट एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, तो इंसर्ट कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर, तो दिस इज ऑक्सीजन, क्लियर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके हियर देख अगेन दिस इज फेनिल, दिस इज फेनिल, बट दिस इज हैव इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप, जबकि उसका माइग्रेट एप्टीट्यूड कम होगा तो इंसर्ट कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर, क्लियर। अब जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है ये तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो गया, बट कुछ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऐसे भी होते हैं जो डिपेंड करते हैं स्टेरिक एंड स्ट्रक्चरल इफेक्ट पर, स्टेरिक एंड स्ट्रक्चरल जो इफेक्ट होगा उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, यानी कि जो अटैक होगा पैरासाइट से, जो अटैक होगा वो लेस हिंडर्ड साइड से होगा, स्टेरिक इफेक्ट को भी कैलकुलेट करना है हमें, स्टेरिक इफेक्ट कहाँ कम से कम है। ओके, तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्टेरिक एंड स्ट्रक्चरल इफेक्ट, मीन्स पैरासाइट अटैक्स फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बाइसाइक्लिक कंपाउंड, ओके, इसके दोनों तरफ, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, बोथ बोथ साइड ऑफ सीओ ग्रुप, दिस इज टर्सरी ग्रुप, दिस इज सेकेंडरी ग्रुप, तो अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड
This attack at this side, because tertiary group, tertiary alkyl group is more having more migratory aptitude than 2-degree, right? Secondary, but this phase is end of phase. This जो अंदर की तरफ है ये end of phase कहलाता है, end of phase, और this is exophase. And look at this end of phase. The steric effect. Alkyl group present at this side. This end of phase. Okay. So this is steric effect. अगर ये इस साइड से अटैक करेगा तो ये जो मैग्नीशियम मोनोपरोक्सीथैलेट है एंड जो एल्किल ग्रुप है इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, जिस वजह से रिपल्शन होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी. तो स्टेरिक इफेक्ट लग जाएगा यहाँ पर. तो स्टेरिक इफेक्ट की वजह से ये इस एक्सो साइड से अटैक करेगा, इस साइड से. सो ऑक्सीजन इंसर्ट दिस साइड, राइट? कमिंग टू दिस, दिस इज एंडो, दिस इज एक्सो. नाउ एक्सोफेस इज मोर हिंडर्ड देन एंडोफेस बिकॉज दिस इज एल्किल ग्रुप प्रेजेंट एट दिस साइड. ओके, तो मैग्नीशियम मोनोपरोक्सीथैलेट अटैक फ्रॉम एंडोफेस. सो दिस इज एंडोफेस, क्लियर? बिकॉज आगे यदि ये यहाँ इस साइड करेगा तो इंटरेक्शन बिटवीन दिस एल्किल ग्रुप एंड मैग्नीशियम मोनोपरोक्सीथैलेट एंड विच डिस्टेबलाइज द मोलिक्यूल, सो अटैक फ्रॉम एंडोफेस. दैट इज क्लियर कि स्टेरिक इफेक्ट को भी कंसिडर करना है आपको. स्टेरिक इफेक्ट की वजह से कई बार अटैक जो 3 डिग्री पर होना चाहिए था वो 3 डिग्री पर ना होकर के 2 डिग्री पर हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल दिस, यानी कि एक्सोफेस अटैक होगा एंडोफेस की कंपैरेटिवली, बिकॉज एंडोफेस हैविंग एल्किल ग्रुप विच इज मोर हिंडर्ड देन एक्सोफेस. ओके, बट और इन दिस बाईसाइक्लिक कंपाउंड दिस एक्सोफेस इज मोर हिंडर्ड देन कंपैरेटिवली एंडोफेस, सो अटैक फ्रॉम एंडोफेस. ओके, इफ वे कंसिडर दिस इज 3 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, but that is not important because the main factor is steric factor. Clear? Okay, coming to next question. Now this is, look at this structure. Both endo and exophase are steric. This is endo and this is exo. These are repulsive force. There are, राइट? तो अगर दोनों में ही इंडो एक्सो और एंडो दोनों ही स्टेरिक है, देन 50-50% बोथ प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम एंडो साइड एंड फ्रॉम एक्सो साइड. दिस इज एक्सो साइड, दिस इज एंडो साइड, दिस इज एक्सो प्रोडक्ट, दिस इज एंडो प्रोडक्ट. सो बोथ प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म एज 50-50, यानी कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेंड. इफ तो कंक्लूजन इज इफ बोथ पोजिशन, both position means exo and endo are hindered, then mixture of product form. Or earlier two questions, if endo is hindered then exotic, if exo is hindered then endotic, right? So these type of questions are coming to comes in many, will come in many exams. And so you can go for solve questions in many text, many text from many textbook. Okay, चलिए कुछ और questions देखते हैं हम, जो generally कई बार exam में आते हैं. तो ये general basic idea था Bayer-Villiger oxidation का, clear? देखिए question है कुछ, एक दो question हम करते हैं. देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन हो इस तरह से, दिस इज आर प्रेजेंस ऑफ पैरासिट, व्हाट हैपेंड, अटैक एट दिस साइड, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, ओके, 6-membered रिंग, क्लियर? तो 3 डिग्री से अटैक करना है आपको. सम मोर क्वेश्चन, सी डबल बॉन्ड ऑफ सी एस थ्री इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड, सो अटैक, दिस इज मेथिल, दिस इज कंप्लीटली
3 degree molecule, okay, 2 degree molecule rotate from this side. O, C double bond O, CH3. Okay. Next is this is important question. Again, paraffin. Rotate कहाँ पर होगा? इस side. Because cyclopropyl cation is more stable than methyl group. ये आप हमेशा याद रखें. जो cyclopropyl होता है वो stability ज़्यादा प्रदान करता है किसी भी electron deficient को. Comparatively methyl group के, ठीक है? Some more. अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए आपके पास, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड प्रोडक्ट इज ए पर एसिड प्रोडक्ट इज बी. व्हाट इज ए व्हाट इज बी? Clear. So first is pinacol on rearrangement. Clear. So first is क्या होगा? यहाँ से H plus attack करेगा. OH2 positive. This is remove. Then methyl is migrate to this position and ketone is formed. Okay. PH, C, PH, ME, C double bond O, ME. Then per acid. So अटैक कहाँ पर होगा? इस साइड होगा पर एसिड का, क्योंकि दिस इज 3 degree एंड दिस इज 1 degree. क्या हो जाएगा? बी प्रोडक्ट पी एच सी पी एच एम ई ओ सी डबल बॉन्ड ओ एम. तो इस तरह से दो दो टाइप के रीअरेंजमेंट को मिला के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, कि दो तरह के इस तरह के रीअरेंजमेंट मौजूद हो तो क्या होगा. क्लियर. वन मोर क्वेश्चन. पिनाकोलोन के लिए आप लास्ट जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बना के अपलोड कर रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, आप वहां से देख सकते हैं. वहां पिनाकोलोन रिएजमेंट कैसे होता है, तो उससे कैसे प्रोडक्ट का निर्माण होता था, आप वहां से चेक करें उसको. एक क्वेश्चन और है. फॉर एग्जाम्पल ये है, इन प्रेजेंस ऑफ पर एसिड. मेरे हिसाब से अब क्लियर होगा आपको. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. कि पर एसिड अटैक कौन सी साइड करेगा? इस साइड या इस साइड, यानी दैट इज दिस वन एंड दिस वन. सो दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. सो एज यू नो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैव मोर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. सो पर एसिड अटैक एट दिस साइड. सो द प्रोडक्ट इज ओ C double bond O, NO2, ON. तो इस तरह से मैं बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं. आप प्लीज आप मैं जहाँ भी आपको अवेलेबल हो क्वेश्चन आप वहाँ से देखें, वहाँ से सोल्व करें. और बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं. सिंपली आपको केवल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना है कि कैसे माइग्रेशन होगा, किस तरह से कौन सा ग्रुप की तरफ एप्टीट्यूड होगा, और रिएक्शन मैकेनिज्म जरूर याद रखें, ठीक है? और किसी तरह के कोई प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी. थैंक यू.